हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं जो आपकी आईटीआई की फिफ्थ राउंड की जो मेरिट लिस्ट है 9 अक्टूबर 2021 को आई थी। तो बहुत से स्टूडेंटों का है जो है फिफ्थ राउंड में नाम नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपका नाम नहीं आया तो आपको चॉइस फिलिंग तो करना ही पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, चॉइस फिलिंग का सिस्टम इस राउंड में क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो जो ये राउंड है अपग्रेडेड राउंड है। तो मैं आपको बता दूं अपग्रेडेड राउंड क्या होता है। तो आप समझना, यदि आपने चार इंस्टीट्यूट डाले हैं, चार इंस्टीट्यूट में से यदि आपने ए बी सी और डी डाला है, तो यदि आपका ए में नाम आ जाता है तब तो ठीक है, ए में नाम आ जाएगा तो आपको अपग्रेड का सिस्टम भी नहीं मिलेगा, प्लस आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं मिलेगी, क्योंकि जो ए इंस्टीट्यूट है आपका वो आपका मनपसंद का इंस्टीट्यूट है। यदि आपका ए छोड़ करके बी सी या फिर डी में आ जाता है, बी सी डी में आने के बाद में आपको जो है आपको ए में लेना है या बी में लेना है, तो आपको यदि सी में आया तो आप बी के लिए अपग्रेड करेंगे। यदि आपको बी आया है, वो भी आपका मनपसंद कॉलेज नहीं है अगर बी, तो आपको ए के लिए अपग्रेड करना है। तो ए के लिए अपग्रेड करने के लिए आपको नेक्स्ट राउंड के लिए वहाँ पर अलॉटमेंट तो आपको मिल ही जाएगा, प्लस आपको अपग्रेडेशन भी आएगा। जैसे ही आप अपग्रेड करते हैं तो आपकी जो फिफ्थ राउंड में यदि आपको कॉलेज मिल जाता है, इंस्टीट्यूट मिल जाता है वो वाला, तो आपका जो है एडमिशन आप करवा सकते हैं फीस सबमिट करने के बाद। अब बात आती है, यदि आपका अपग्रेड करने के बाद नाम नहीं आता तो आपको तो फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। तो चॉइस फिलिंग की यहाँ पे जो है लिस्ट डेट नहीं दी गई है, तो चॉइस फिलिंग की जो डेट दी जाएगी 13 के बाद दी जाएगी, मतलब 13 के बाद एक हफ्ते बाद या फिर 16 या 17 को भी आपकी जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो सकती है। तो आईटीआई का कोई वैसे तो कोई फिक्स डेट नहीं रहता है, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड की जो आपकी मेरिट लिस्ट आनी थी वो 14 अगस्त को आनी थी, लेकिन 14 को ना करके 15 अगस्त में आई थी जो आपकी मेरिट लिस्ट। तो जितनी भी आईटीआई की जो लिस्टें आई हैं, कोई भी लिस्ट टाइम से नहीं आई है, टाइम टू टाइम नहीं आई है। तो आईटीआई वाले जो है डाल तो देते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इस वजह से आईटीआई का जो है अपन क्लियर नहीं बता सकते हैं। तो जैसे ही आपकी नेक्स्ट राउंड की जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको चॉइस फिलिंग के लिए बता दूंगा। और यदि आपको अपना नाम चेक करते नहीं बनता है तो आप जा करके यूट्यूब में वीडियो सर्च करके देख लें कि आप नाम चेक कर सकते हैं उससे। और मैं आपको बता दूँ, कट ऑफ भी दिया रहता है वहाँ पर साइट पर, वैकेंसी फॉर कॉलेज फॉर काउंसलिंग रैंक वहाँ दी रहती है, कितने पे लिस्ट गिरी है आईटीआई की। तो बहुत से स्टूडेंटों को क्या, यदि आपको ट्रेड चेंज करना है तो आप फिर से ट्रेड भी चेंज कर सकते हैं, रिचॉइस कर सकते हैं कैंसिल करवाने के बाद में इंस्टीट्यूट से। और बहुत से डाउट रहते हैं स्टूडेंटों का आईटीआई के थ्रू, तो आईटीआई के जितने भी डाउट हैं आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई देता हूँ। आप जाकर के कमेंट में देख लें, मैं आपको हर कमेंट की रिप्लाई तुरंत ही देता हूँ। यदि आपको कमेंट की रिप्लाई तुरंत नहीं दे पाता तो बाद में ज़रूर देता हूँ। तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं मेरे से कि जो आपको आईटीआई में प्रॉब्लम क्या जा रही है। बाकी आपको राउंड बता दूं, अभी तो एक या दो राउंड और चलेंगे, एक दो राउंड नहीं चलेगा। यदि सीएलसी राउंड आया तो सीएलसी राउंड जो है लास्ट राउंड कहलाता है। सीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। तो आईटीआई में बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज हैं, और यदि आपको आईटीआई में कोई भी कन्फ्यूजन आ रही है तो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है सॉल्यूशन बताऊंगा, और आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है वो भी आप पूछ सकते हैं। और यदि आपके कम परसेंटेज हैं, 50 से कम परसेंटेज हैं, तो आप गवर्नमेंट में ना लेकर के जो है अपना प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं। तब तक लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी जानकारी रहेगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देते रहूँगा आईटीआई की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।